आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आजकल तीन चेहरे बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। एक चेहरा जो कि बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है अररिया, वहाँ का थाना है रानीगंज, एक लड़की जिसका नाम है आरती यादव। आरती यादव को एक छोटू कुमार नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आरती यादव के घर वाले उस लड़के को मार देते हैं और इसके बाद जब ये न्यूज़ टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में चलती है तो करोड़ों की तादाद में लोग उस न्यूज़ को देखते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जैसे क्या इससे पहले कोई इस तरह का क्राइम नहीं हुआ, वाकई उस लड़की ने इतिहास रचा है। कोई शायद ही हिंदुस्तान की वो पहली ऐसी लड़की होगी आरती, जिसकी शादी के बिना वो अपने ससुराल चली गई और बिना शादी के ही वो वहाँ पर विधवा रहना चाहती है। ऐसे ही दूसरी एक और लड़की है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है। उसके मशहूर होने का कारण ये है क्योंकि उसने CBSE बोर्ड में 12वीं की कक्षा में 500 में से 500 नंबर प्राप्त किए हैं। तीसरी लड़की कौन है जो वायरल हो रही है, उसके बारे में हम तानिया सिंह से ही बात करेंगे। तो तानिया सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने 500 में से 500 नंबर लेके आई हैं। भगवान भी कुछ ना कुछ बनाते हुए गलती कर देता है, पता नहीं क्यों आपसे गलती नहीं हुई। सर, गलती तो सर टीचर्स की वजह से नहीं हुई। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने बिल्कुल बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, ये आएगा तो क्या लिखना है। सारे क्वेश्चंस जो भी चैप्टर से ही आते हैं, बुक से अलग थोड़ी ना आ जाता है एग्ज़ाम में, तो सब कुछ बता दिया था कि कहाँ आएगा, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने मार्क्स में कितना लिखना है, सब कुछ बता दिया था। यानी कि मजाक में कह सकते हैं कि आपका पेपर पहले से आउट हो चुका था, इसलिए जो आना था वो पहले से पता चल गया। सर, मजाक में ही ये कह सकते हैं, लेकिन पेपर तो आउट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो सर बहुत अच्छा गया था टीचर्स की वजह से। बहुत सारे लोग आपके न्यूज़ बनाने के लिए आते हैं, चाहे वो बड़े बड़े संस्थान हो, आज तक, अमर उजाला, जी न्यूज़, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा चैनल है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपका नाम नहीं आ रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि मैं जो उनका देख रहा था, व्यूअरशिप जो मिलनी चाहिए एक टॉपर को, उस तरह से नहीं मिल रही है। जैसे क्या NDTV की रिपोर्टिंग चल रही है, उसमें आपको 12,000 या 10,000 लोग कुल देख रहे हैं। जी न्यूज़ है, उसमें 8-10,000 लोग देख रहे हैं, पता चला कि ऐसे ही आज तक है, आज तक में आपको बस ऐसे 60,000 के आसपास। जी न्यूज़ में भी ऐसे, मतलब आप 70,000 व्यूअर से ऊपर नहीं कूद पाएंगे, जबकि उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलियन में हैं, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, यानी कि आपको पॉइंट में से आपको लोग देख रहे हैं, 0.5, 0.3, 0.4, इस तरह से लोग देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छी चीज़ों को लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आरती यादव को ज़्यादा देख रहे हैं, है कि नहीं है सर? हाँ सर, ऐसा तो है, लेकिन सर इससे इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कम लोग देख रहे हैं या ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सर पता तो सबको चल ही जाता है। और सर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। सर इम्पॉर्टेंट तो ये था कि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मैंने मेहनत की थी, वो सफल हो गई और मार्क्स आ गए। मैं एक सवाल पे आऊँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे जो देश है भारत, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। क्या बात है, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज 25 जुलाई है, आज ही वो अपनी कुर्सी पर बैठी हैं और उनको पता भी है। तो वाकई तुमने कमाल कर दिया है, मुझे लगा कि शायद श्री राम नाथ कोविंद जी का नाम आप लेंगे। बहुत बढ़िया। एक चेहरा जो आपके पीछे अक्सर देखने को मिल रहा है जी, और वो चेहरा मुझे याद है, मैं जानता हूँ उन्हें, आप भी जानती हैं, प्रिंसिपल साहब जी। ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल ने आपके साथ बहुत मेहनत की, आपने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, आज आप टॉपर बन गई हैं। बाकी के जो टीचर हैं, ना उनका नाम आ रहा है, ना उन्होंने ऐसा लगता है जैसे पढ़ाया है। क्या प्रिंसिपल साहब ने ज़्यादा मेहनत करी है आपके साथ? सर नहीं, प्रिंसिपल सर ने तो मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने हमें असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए थे, टर्म वन के अलग, टर्म टू के अलग, वो तो अलग बात है, उनकी तो मेहनत है ही। लेकिन सर टीचर्स की तो उनसे भी ज़्यादा मेहनत है। उन टीचरों का नाम ले दो ना, कौन कौन टीचर हैं? टीचर्स के तो नाम मैंने लिए हैं सर, मोस्ट एक आध वीडियो में उनके चेहरे भी नहीं दिखाई दिए ना। प्रिंसिपल साहब ने तो जैसे तानिया सिंह पर कब्जा कर लिया हो। सर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल अप्रिसिएशन जिनको मैं देना चाहूँगी वो हैं जफर सर। वो हमारे 11th और 12th में क्लास टीचर थे और हिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, तो सबसे ज़्यादा तो हेल्प जफर सर ने ही की है। जफर सर की तो आफत आने वाली है, प्रिंसिपल साहब कहेंगे अच्छे मेरा नाम ही नहीं लिया। नहीं सर, जफर सर तो बहुत ही अच्छे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसके बाद सर सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जफर सर का तो डिफाइन कर दिया, बाकी टीचर को भी डिफाइन करो सर। हाँ सर, इंग्लिश में रचना मैम हमें पढ़ाती थी, रचना शर्मा मैम सर, उन्होंने तो बिल्कुल बता दिया था कि
यहाँ अंडरलाइन करनी है, दो दो कलर के पेन यूज़ करना, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, क्योंकि ब्लैक अलाउड नहीं होता बोर्ड में, तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू अंडरलाइन इससे करना। अगर 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन, वो सॉरी 20-30 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इतना ही लिखना, ज़्यादा मत लिख देना क्योंकि फिर वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है। अगर 4 मार्क्स का है तो इतना ही लिखना। सब कुछ बता दिया था उन्होंने, तो कोई इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं, उनकी वजह से इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आए। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और ज्योग्राफी में मैम ने तो वो तो हमेशा कहती थी कि पॉइंट्स में लिखा करो, क्योंकि ज्योग्राफी में हमने मतलब मेन पॉइंट्स ही डिफाइन करने होते हैं कोई भी क्वेश्चन आए, तो पेपर भी इजी आया था और मैम ने जैसे बताया था पॉइंट्स में लिखो, वही सब लिखा था। शांता मैम हमें ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी क्लाइमेट से मुझे याद आता है कि जैसे कि आजकल इतनी सारी गर्मी पड़ी थी जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, एसी भी फेल हो चुके थे, तो ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसे? सर एक्चुअली इतना मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, तो जब इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो गर्मी तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसलिए अब मतलब समर्स का टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है और विंटर्स का टाइम, क्योंकि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और अब ज़्यादा पड़ रही है, तो उसकी वजह यही है। कैसे कंट्रोल करें इसको? सर इसको तो यही कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन पॉइंट है कि ये जो हम ज़्यादा एसी वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें सीएफसी होती है, एसी और रेफ्रिजरेटर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो अगर हम एसी वगैरह को कम यूज़ करेंगे तो उसको तभी मतलब ये कम हो सकता है। एसी तो हर घर में होती नहीं, गरीब लोग हमारे घर भी नहीं है। हाँ तो सर नहीं, और रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें भी ब्रोमो फ्लोरो कार्बन्स होते हैं, तो यही ब्रोमीन कंपाउंड्स यही मेन कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। पेड़ पौधे भी लगाओ खूब सारे, जितने पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो उससे भी जो ये जो प्राकृतिक का संतुलन है जो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। तानिया सिंह, पिछले साल आप ही की स्कूल के आपकी के विद्यालय के एक लड़के ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए थे, वो गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं देता, क्या बात है? सर नहीं 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 ऐसा नहीं कह सकते सर, सब लोग कहते हैं कि ये टॉप तो कर जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सर अभी उनको सिर्फ लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने टॉप किया था। उनके नाम क्या है? तुषार सिंह। तुषार सिंह, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका नाम तुषार सिंह है। सर नहीं ऐसा नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार इंडिया में किसी के 100% आए थे वो तुषार भैया के ही आए थे। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। सर रिकॉर्ड कहाँ तोड़ा है, उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू किया है। 500 में से ज़्यादा नंबर तो मिल नहीं सकते थे। अगर 500 में से 500 एक मिल जाते तो हो सकता है कि आप भी उन्हें भी ले जाती। और मुझे तो तब बड़ी खुशी हुई जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद तानिया सिंह का नाम लिखा और कहा कि इनको बहुत बहुत बधाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये अपने आपकी मम्मी जी के लिए। एक बार मम्मी जी की तरफ कैमरा करना, ये इधर मम्मी जी बैठी हुई हैं, उधर दादी जी बैठी हुई हैं और एक और टॉपर भविष्य की बैठी हुई है उधर, नाम क्या है? कशिश नाम है इनका, ये भविष्य की टॉपर हैं, ये भी कहीं ना कहीं टॉप करेंगी ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हम बहुत सारी दुआएं इनके साथ इन्हें देते हैं। तो तानिया सिंह भविष्य में UPSC क्वालिफाई करना चाहती है, उसके बाद फिर उसका मन है कि या तो IPS या फिर IAS, तो इन दोनों में से क्या चीज़ बनना चाहोगी आप? सर मैं IAS ऑफिसर प्रेफर करूँगी। तो IAS ऑफिसर बनकर मतलब क्या आपका वो है, सपना है कि सपोज दैट कि आप IAS ऑफिसर हैं मान लिया, और हमारी दुआ भी है कि आप बन जाएं, तो कौन सा काम करना चाहोगी, क्या दिखता है आपको जो लगता है अगर बढ़े? सर मैंने स्पेशली जहां मैं रहती हूं बुलंदशहर, यहां मैंने देखा है कितने ज़्यादा रैक पिकर्स हैं, मतलब कि वो रैक पिकर्स हैं तो मतलब वो स्कूल तो जाते नहीं होंगे, अगर स्कूल जाते तो वो रैक पिकिंग थोड़ी ना करते। तो सर वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि शायद अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और फैसिलिटीज़ भी हैं तो शायद वो अवेयर नहीं है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि स्कूल्स तो हैं गवर्नमेंट के। तो सर मैं चाहती हूँ कि उन मतलब कुछ ऐसा मैं करूँ कि जिससे वो सारे लोग इतना अवेयर हो जाएं कि उन्हें पता चले कि हमें करना क्या है। और सर जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, जब पढ़ लिख जाएंगे तो वो खुद अपना अच्छा बुरा समझ पाएंगे, तो फिर वो तो खुद ही कैपेबल हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और आपके पापा और बाकी लोग घर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या करते हैं, कौन कौन हैं? सर मेरे पापा का नाम विजय कुमार है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब घर में तो मैं स्कूल में तो थोड़ा टाइम ही जाता है। मेरे पापा होते तो कहते ये तो फ़र्ज था मेरा बस।
सब फ़र्ज तो होता ही है, लेकिन फिर भी स्कूल में तो हम 5-6 घंटे ही रहते हैं, उसके बाद पूरा टाइम तो घर में ही देना होता है। तो सर घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ पाऊँ, तो वो तो मम्मी और पापा ने ही किया था। मम्मी हाउस वाइफ हैं और मेरा छोटा भाई है, वो 12th क्लास में अभी आया है, रेनिसन स्कूल में है वो। और ये मेरी कज़िन है, चाचा की बेटी है, ये DPS में ही है, 10th क्लास में आई है। तो थोड़ी जलन नहीं हो रही उसको कि आप इतने सारे लोग मिलने के लिए आ रहे? काश मुझसे भी ऐसे मिलने के लिए। अभी जलन नहीं हो रही क्योंकि अभी तो उसके बोर्ड एग्जाम्स हुए नहीं है ना, कौन जानता है फ्यूचर को। तो कुछ ऐसा जो मैं पूछना भूल गया हूँ, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहती हो? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहूँगी अगर किसी का रिजल्ट मतलब थोड़ा इतना अच्छा नहीं आया है या उसकी एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो सर इसमें इतना सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है या डिप्रेशन में जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर ये सिर्फ 12th का रिज़ल्ट है या फिर कुछ बच्चों का 10th का रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट फाइनल स्टेप नहीं होता। और ये तो सिर्फ 10th या 12th का रिज़ल्ट है, ये तो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। तो अगर हम आगे चाहें तो और ज़्यादा मेहनत करके अपना जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, वो अचीव कर सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है हर माँ बाप की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी चाहूँगा कि मेरा बच्चा टॉप करे, बस नाम तानिया सा आगे निकल जाए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं उस पर कि मेरे बेटे ने इतने अंक प्राप्त किए। उसमें से बहुत चंद लोग ऐसे हैं जिसके क्या 70 या 60% से नीचे मार्क्स आए उसने अपने बच्चे के साथ फ़ोटो शेयर किया हो। कई अभिभावक तो ऐसे भी हैं जिसके 99% हैं, लेकिन वो उसे शर्म आ रही है कि मेरे बच्चे कम नंबर आए। मतलब हमारे ज़माने में जो नंबर आते थे वो 60% से भी ज़्यादा नहीं आते थे, मुश्किल से बहुत कम आते थे। अखबारों में छोटा सा रोल नंबर होता था, उस पर लिखा होता था कि फर्स्ट या सेकंड के लिए S लिखा होता था और थर्ड के लिए T लिखा होता था। तो ये वो ज़माना था। आपने जब पढ़ाई की होगी तो शायद आपके ज़माने में, एक बार दिखाओ ना उनकी तरफ, तो ऐसे रहा था ना बिल्कुल। लेकिन आजकल टॉपर की परिभाषा बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मार्क्स कम आओ या ज़्यादा हो, बच्चों के प्रति प्यार मोहब्बत उतना ही बना रहना चाहिए। और आपकी मुलाकात हुई थी तानिया सिंह से, 3 लोगों का नाम लिया। मैं इनका इसलिए भी ऋणी रहा हूँ क्योंकि इनके पापा को जब मैंने फ़ोन किया कि मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। लेकिन लास्ट ईयर तुषार सिंह के पापा से जब मैंने बातचीत की थी तो तुषार सिंह ने हमारे कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्ज़ी है, भारत का संविधान हमें यही तो आज़ादी देता है, हम जहाँ चाहें जो चाहें वो करना चाहें, जिसके साथ रहना चाहें, और कोई भी काम अपने कर सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।